Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि हमने कल ही कम्युनिटी सेक्शन में रिपोर्ट किया था कि इंडियन नेवी ने साइन किया है 8 और एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट इंडक्ट करने की डील, जिसे बनाएगी इंडिया की कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और अब ये कुल मिला के तकरीबन 16 एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट हो गए हैं। जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया था कि 8 एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट बनाने के लिए इंडिया की ही एक कंपनी गार्नर रिच शिप बिल्डर इंजीनियर्स लिमिटेड GSRE को सेलेक्ट किया गया था, और जो कि उस कंपटीशन में सबसे लोएस्ट बिडर था। और अब जो एडिशनल 8 ये सैलो वाटरक्राफ्ट बनाए जाने हैं, उसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड बनाएगी। और इसकी डिलीवरी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2022 के अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, और पर ईयर तकरीबन 2 सैलो वाटरक्राफ्ट डिलीवर किए जाएंगे इंडियन नेवी को। और जहां तक बात GSRE द्वारा बनाए जाने वाले सैलो वाटरक्राफ्ट की है, तो उसकी डिलीवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। और ये जितने भी एंटी सबमरीन सैलो वाटरक्राफ्ट हैं, ये इंडिया के ही जो प्रीवियस कॉर्बेट्स हैं, अभय क्लास कॉर्बेट्स, उनको रिप्लेस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, अभय क्लास कॉर्बेट में तकरीबन 4 कॉर्बेट हैं, अभय, अजय, अक्षय और अग्रय। अग्रय क्लास जो कॉर्बेट था वो 2017 में ही डिकमीशन हुआ है। तो इसी तरह ये सारे शिप्स अपने आखिरी पड़ाव में चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये नए कॉर्बेट्स की डिमांड एक समय की मांग थी, जिसके फलस्वरूप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये 16 सैलो वाटरक्राफ्ट की जो डील है उसे फाइनलाइज की है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के दूसरे डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के अटैक हेलीकॉप्टर रुद्रा के बारे में। तो जी हां दोस्तों, रुद्रा LCH को लेके एक नया डेवलपमेंट सामने आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग रुद्रा में लगाया जाने वाला है फायर कंट्रोल रडार्स। तो जी हां दोस्तों, ये खबर इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही है, जहां पे इंडियन आर्मी ये प्लान कर रही है कि रुद्रा LCH अटैक हेलीकॉप्टर में फायर कंट्रोल रडार्स लगाया जाए, जो कि आजकल के जो नए अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उनमें ये सिस्टम काफी प्रचलन में है। और ये सिस्टम जो इंडिया के ही आगे इंडक्ट किए जाने वाले अपाचे H-64 में ऑलरेडी है। और ऐसे रडार सिस्टम किसी भी अटैक हेलीकॉप्टर को एक फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं अपने ऑपरेशंस को प्लान करने के लिए। और ऑपरेशंस के दौरान कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक करना, गाइडेड मिसाइल का यूज करना। तो इन तरह के कुछ फंक्शंस में बाकी के अटैक हेलीकॉप्टर के कंपेयर में हमारे हेलीकॉप्टर्स को आगे रखने वाली है। और इस अपग्रेड को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रेट्रोफिटिंग रिक्वायरमेंट्स है इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ साथ अवियोनिक्स की, उन सभी को तैयार कर लिया गया है और इसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किए जाने की उम्मीद है। और इस नए फायर कंट्रोल रडार के लग जाने से जो एक लिमिटेशंस हैं कि आप कितने टाइप के वेपन पैकेज का यूज कर सकते हो, उसे अब अनलॉक कर दिया जाएगा। अब LCH रुद्र की जो वेपन आर्सेनल की वैरायटी है, उसमें आपको कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी दिखाई देगी। और अभी फिलहाल इंडिया का LCH अटैक हेलीकॉप्टर इक्विप्ड है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम और इंफ्रारेड पॉड से, और यही दोनों सिस्टम्स मुख्य रूप से उपयोग में आते हैं किसी भी टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक करने में, जो कि कहीं ना कहीं बैड वेदर्स में उतने इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। लेकिन अब जब ये नया सिस्टम लग जा रहा है, जो कि एक फायर कंट्रोल रडार है, वो इन सभी कैपेबिलिटी को और एक्सपेंड करने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज के तीसरे डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं निर्भय क्रूज मिसाइल के एक नए वेरिएंट के बारे में। तो जी हां दोस्तों, इस वेरिएंट को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE के बेंगलुरु सेक्शन में देखा गया, जो कि निर्भय क्रूज मिसाइल का एक एयर लॉन्च वेरिएंट था। और इस वेरिएंट को नाम दिया गया था निर्भय AL01। और जहां तक उम्मीद है, निर्भय का ये एयर लॉन्च वेरिएंट जो कि कैपेबल होगा किसी भी फाइटर जेट से लॉन्च किए जाने में, तो इसके डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस देखने को मिले हैं, जैसे कि इसमें सबमर्ज्ड एयर इंटेक के अलावा एक नया एयर इंटेक दिया गया है इसके बॉटम में, और इसके विंग्स को और वाइड किया गया है। और विंग की पोजीशन चेंज की गई है, विंग की पोजीशन अब पहले जो कि फ्रंट फ्यूजलाज के आसपास थी, उसे उठा के अब सेंटर में कर दिया गया है, जो कि कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है कि इसके इस वेरिएंट को ब्रह्मोस ए की तरह शेप दिया जाए। जहां तक उम्मीद है, निर्भय का ये एयर लॉन्च वेरिएंट 2020 के एंड तक अपने ट्रायल टेस्टिंग में जाता हुआ दिख सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की चौथी डिफेंस न्यूज में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा डेवलप किए जाने वाले व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ये व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल जो कि एक 8x8 का व्हीकल है, जिसे डेवलप कर रही है DRDO। और इस व्हीकल को लेकर ऐसी खबरें आ रही है कि इसकी जो टेस्टिंग है उसे शुरू कर दी गई है हिमालयन रीजन में। जैसा कि आप सबको बता दो, ये व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल, जिसे व्हील एम्फीबियस प्लेटफॉर्म के नाम से बताया जाता है, इसे डेवलप किया है DRDO और इंडियन कंपनी टाटा ने। और इस व्हीकल में 2 पर्सनल्स की बैठने की जगह है, और इसमें BMP-2 की तरह ही टरेट फैसिलिटी दी जा रही है। और इसमें कुछ एडवांस वेपन का भी एडिशन किया गया है, जैसे कि इसमें डिप्लॉय किया जा रहा है स्टेबलाइज्ड 30mm का कैनन 2A-42, और उसके साथ ही इसमें लगा होगा 7.62mm का PKT कोएक्सियल मशीन गन, जो कि कैपेबल होगा तकरीबन 2000 राउंड फायर करने में। और ये व्हील्ड आर्मर्ड व्हीकल कैपेबल होगा 85 स्पेंड्रेल ATGM लॉन्च करने में, जो कि एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जिसकी मैक्सिमम रेंज तकरीबन 4000 मीटर के आसपास है। और इस WHAP का जो वेट है वो तकरीबन 25 टन के अराउंड है, जिसे एक 600 हॉर्स पावर वाले इंजन के थ्रू प्रोपेल किया जाता है।
और ये तकरीबन 100 किलोमीटर की अचीव करने में सक्षम होगा। और इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है, जो कि इसकी टेस्टिंग अभी हिमालयन रीजन में चल रही है कि माउंटेनियस रीजन में ये किस तरह से परफॉर्म करता है और कितना उपयोगी रहेगा निरार्मी के लिए। तो इस बारे में आप लोगों का क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी कि बस लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।